हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम लेंगे एक्सरसाइज 11.2, क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसका हम। यहाँ पर एक टेबल दिखा रखी है और इसकी जो दो पैरेलल साइड्स हैं वो दे रखी है 1.2 मीटर और 1 मीटर, और हाइट दे रखी है 0.8 मीटर। तो ये एक शेप जो आ रही है टेबल टॉप की, एक ट्रेपीजियम की शेप है, क्योंकि जो दो साइड्स हैं ये पैरेलल हैं और ये यहाँ पे एच शो करता है हाइट को। हेयर पैरेलल साइड्स आर 1.2 मीटर एंड 1 मीटर, हाइट दे रखी है 0.8 मीटर। हमें निकालना है इस टेबल टॉप का एरिया, एरिया ऑफ टेबल टॉप। ट्रेपीजियम का एरिया का फार्मूला लिखेंगे एच ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी अपॉन टू। एच यहाँ पे हाइट है 0.8 मीटर और ए प्लस बी है सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1.2 मीटर एंड 1 मीटर। इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, 0.8 को लिखेंगे 8/10 इंटू, ब्रैकेट को खोल लेंगे, ये आ जाएगा 2.2, 2.2 को भी खोल देंगे, ये आ जाएगा 22/10 इंटू 2। अब हम काट देंगे 2 के टेबल में, 2 4 8, 22 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 88/100, ये आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ टेबल टॉप। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे रखा है। ट्रेपीजियम का एरिया है 34 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, दो साइड्स होती हैं ट्रेपीजियम के अंदर पैरेलल, उसमें से एक साइड हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है जो दूसरी पैरेलल साइड है, हमें उसकी लेंथ निकालनी है। तो इस तरह की यहाँ पे एक ट्रेपीजियम दे रखी है, ये यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, ये हमने सेकंड पैरेलल साइड निकालनी है और ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो हमें सेकंड पैरेलल साइड को हमने फाइंड आउट करना है। इन तीनों वैल्यूज़ को, एरिया, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर, इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। एरिया इज इक्वल टू एच ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज अपॉन टू। एरिया है 34, हाइट है 4, ब्रैकेट के अंदर आएगा ए की वैल्यू, यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और हमें निकालना है बी, जो हमने निकालना है इसको हम बी मान लेते हैं। एच 4, ब्रैकेट के अंदर आएगा ए की वैल्यू 10 है, प्लस बी को हम एज इट इज़ लिखेंगे अपॉन 2। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इधर आ जाएगा हमारा 10 ब्रैकेट स्टार्ट 10 4 ब्रैकेट स्टार्ट 10 प्लस 2। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, 34 इंटू 2, यहाँ पर 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको हम काट देंगे 2 की टेबल में, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 जा 2 और एक बच जाएगा, 4 उतार लेंगे, 2 7 जा 40 17 आ जाएगा। 10 प्लस बी इज इक्वल टू 17, जो दोनों पैरेलल साइड्स हैं उनका सम 17 है और एक साइड दे रखी है 10, तो बी की वैल्यू निकाल लेंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी 17 - 10 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। यहाँ पर एक ट्रेपीजियम दिखा रखी है, इसकी 4 साइड्स हैं, इसमें से 3 साइड्स हमें दे रखी हैं, बी सी 48 है, डी सी 17 है, ए डी 40 मीटर है और ए बी हमें यहाँ पर निकालनी है। उसके बाद हम इसका ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड 120 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो चारों साइड्स हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए, इन चारों का सम 120 मीटर है। हमें यहाँ पे 3 साइड्स दे रखी हैं, ठीक है, तो हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए बी प्लस तीनों साइड्स को हम जोड़ देंगे, 48 17 और 40, ये आ जाएगा 105। तो ए बी आ जाएगा 120 में से हम 105 को माइनस करेंगे, 15 मीटर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 15 मीटर। यहाँ पे ये जो ए बी है ये यहाँ पे हाइट है, एच इज इक्वल टू 15 मीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ए बी है ये परपेंडिकुलर है बी सी पे, एज इट इज़ परपेंडिकुलर टू ए डी एंड बी सी। अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ फील्ड।
h ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस बी अपॉन 2। h कितनी है 15 है और a प्लस बी कौन सी वैल्यू हो जाएंगे bc और ad, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। bc 48 है और ad है 40 मीटर, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। 48 प्लस 40, अब हम ब्रैकेट को खोल लेंगे, 15 इंटू 88 अपॉन 2। अब हम 2 की टेबल में काट देंगे, 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 15 और 44 की मल्टीप्लाई करेंगे, 660 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको इसके 4th और 5th क्वेश्चंस कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।